गणपति पप्पा मोरिया, आप लोग भी ना दर्शन कर दिए इतने सुंदर से गणपति भगवान जी देना। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सीमा शंकर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी ना नाइट हो रहा है, यानी 19 तारीख की ये वीडियो है। तो मैंने ना 9 बजे के बाद हम लोग ने सोचा है, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पर आज पप्पा विराजमान होने वाले हैं। तो हम लोग ने सोचा कि पहले दिन ही हम उनके दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि आज यहाँ पर आरती जो थी ना वो देखना बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए पापा के दर्शन करने के लिए आए थे, तो श्री को लेके आए थे स्पेशली कि उसको आशीर्वाद मिले। और सब हम ये पंडाल देख के ना, इतना और सुंदर पंडाल है ना, आप लोग भी देखिए कितना सुंदर पंडाल है, क्योंकि कारीगरों की मेहनत देखिए। अगर ये पंडाल ना खुद के हाथ से बनाया गया पंडाल है, और लग भी नहीं रहा था, एक तरीके से महल की तरह लग रहा था कि पप्पा अंदर विराजमान है। तो इतना सुंदर सा था ना ये नज़ारा। जब से पहले तुमको मनाओ मंगल की जो उदन की जो अब यहाँ पे ना भजन चल रहे थे, गाने चल रहे थे, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। और सब लोग यहाँ पे आए के यहाँ पे आगे ना बैठने का अरेंजमेंट था, नीचे बैठने का, और पीछे ना यहाँ पे चेयर लगी थी। तो लोग आधे लोग जो बैठ नहीं पा रहे थे तो वो लोग चेयर में बैठ रहे थे। और यहाँ पे ना जूते चप्पल पहने हुए थे ना, उतार के ही अंदर पंडाल के अंदर जाना था। तो जो यहाँ पे नीचे बैठे थे वो सभी जूते चप्पल यहाँ पे उन्होंने उतार के ही गए थे, और इतनी सुंदर लग रहे थे ना ये। अदर साइड यहाँ पे ना बहुत सारे ना सेल्फी ले रहे थे लोग। यहाँ पे देखिए कितने सुंदर सुंदर से यहाँ पे बना रखे थे यहाँ पे। तो सब लोग यहाँ पे अपने बच्चों के साथ यहाँ पे सेल्फी ले रहे थे, फ़ोटोज़ खींच रहे थे, और बहुत ही बहुत सुंदर था यहाँ पे। देख देख के ना मन हो रहा था बहुत यहाँ से जाऊँ ना, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था ना, और इतने अच्छे भजन चल रहे थे, गाने चल रहे थे, वो सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा था। यहाँ पे पंडाल की जो खूबसूरती है ना, लोग इसी को देखने के लिए ना बहुत दूर दूर से आए हैं, क्योंकि इस पंडाल के बारे में ना बहुत पहले से ही बोल रहे थे कि इतना सुंदर पंडाल लगा है, इतना सुंदर पंडाल लगा है। तो आज हम लोग इसलिए भी यहाँ पे आए हैं, क्योंकि ये पंडाल, इतना सुंदर पंडाल तो मैंने कभी देखा भी नहीं था। और जो ना यहाँ पर सबसे प्यारे से गणपति और थे, जिसको हम देखने के लिए अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर, वो ऐसा लग रहा था ना वो आशीर्वाद दे रहे होंगे, और इतने प्यारे तरीके से ना मूव कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था सच में
हमें आशीर्वाद दे रहे हैं ऐसे खड़े होके। देखिए इतने सुंदर से यहाँ पे, और वो इतनी बार यहाँ पे ऐसे मूव कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके नीचे यहाँ पे खड़े होकर लोग यहाँ पे सेल्फी ले रहे थे, फ़ोटोज़ खींच रहे थे, और बहुत ही प्यारे से यहाँ पे गणपति भगवान जी सबको आशीर्वाद दे रहे थे। तो हे गणपति भगवान जी, हे बप्पा मोरिया, आप ज़रूर सबकी मनोकामना पूरी करना। तो यहाँ पे ना हम लोग यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे साई फोर्ट देख रही थी, श्री तो ना यहाँ पे हाथ जोड़ते जा रही थी बार बार सबको, क्योंकि उसको पता था जितने बार गाना वहाँ पे बोले सब हाथ जोड़िए, आवाज़ यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा था तो सब ये श्री तो सबसे पहले हाथ जोड़ने लग जा रही थी। तो बहुत ही सुंदर पांडाल। यहाँ पे पांडाल में ना बप्पा के दर्शन करके यहाँ पे इसके जस्ट बगल में ही यहाँ पे झूले, बच्चों के लिए झूले वगैरह, स्टॉल वगैरह, खाने पीने के स्टॉल, सब कुछ यहाँ पे लगा था। पूरा एक मेले की तरह यहाँ पे पूरा लगा हुआ है। तो काफ़ी लोग आए हुए थे क्योंकि पहला दिन था, 19 तारीख थी, तो आज सभी को पता था ज़्यादातर लोगों को कि आज यहाँ पे विराजमान होंगे गणपति बप्पा। और यहाँ पे ना प्रसाद वितरण भी था, तो हमने यहीं से लिया था, यहाँ से प्रसाद लेके ही भोग लगाना था, तो यहाँ से हम प्रसाद लेके आए थे। हमने यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर स्टॉल वगैरह देखे, यहाँ पर अमेरिकन कॉर्न हो गया, ये सब चीज़ों की यहाँ पर लगी थी। यहाँ पर आपको सेवा भाव से यहाँ पर आपके जूते चप्पल भी रखे जा रहे थे यहाँ पे। तो सब कुछ यहाँ पे हम देख रहे थे कि यहाँ पे कौन कौन से स्टॉल है, और यहाँ पे काफ़ी लेट हम आए थे, तो हम लोगों ने फटाफट सोचा कि आज पहला दिन है तो जननी लोग, जिन लोगों को पता होगा वही यहाँ पे आए होंगे। तो यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल एक तरीके से एक मेला पूरा, झूले वगैरह बहुत अच्छे थे यहाँ पे, और झूले तो काफ़ी बड़े बड़े लगे थे, जो कि श्री तो उसमें झूल नहीं पाती क्योंकि उसमें उससे डर जाती क्योंकि अभी वो बहुत छोटी हैं। तो यहाँ पे सारे स्टॉल हमने देखे, यहाँ पे खाने पीने का सामान था, सारा चीज़ें हमने यहाँ पे एक बार हमने नज़र उठा के सब देख लिया था, क्योंकि श्री को और हम सबको बहुत गर्मी लग रही थी। तो हमने सोचा कि फटाफट से एक राउंड लेते हैं, सब जगह आपको दिखाते हैं कि क्या क्या यहाँ पे है, और आपको यहाँ पे ज़रूर आइएगा क्योंकि 6 दिन तक यहाँ पे ज़रूर विराजमान है गणपति बप्पा। तो आप लोग भी उनके दर्शन करिए, और अपने आप को एक आनंद की अनुभूति होती है ना वो प्राप्त करिए। और यहाँ पे ना सामान बिक रहा था, यहाँ पे 10 रुपये का चिल्ला रहे थे, तो मैच होता है ना लड़कियों को, औरतों को जरा होता है कि कहीं पर भी कुछ दिखता है कि 10 रुपये या कहीं कम रुपये का होता है, देखने की एक क्यूरियोसिटी होती है कि क्या चीज़ है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं भी वही देख रही थी, पर मेरी नज़र ना पांडाल से बार बार, मैं पांडाल की ओर फिर वापस आई, फिर मैंने यहाँ पे देखा कि ये इतना सुंदर, ये दूर से भी ना बहुत सुंदर दिखाई देता है। और ये पांडाल सोचिए कितना सुंदर है और कितनी मेहनत लगी है कारीगरों की इसको बनाने में, बहुत ही प्यारा मंदिर टाइप का लग रहा था बिल्कुल। और यहाँ पे गणपति बप्पा तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। श्री को फिर हमने यहाँ पे ना झूला भी झुलाया, हमने यहाँ पे छोटे जो बच्चों का था उसमें उसको झूला झुलाया, वो काफ़ी खुश हो गई थी, वो और भी झूलना चाह रही थी, बट हम लोगों ने सोचा कि नहीं, इतना राउंड राउंड करेगी तो उसको चक्कर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे झूले भी थे, बट लोग यहाँ पे ना क्या कहते हैं, कभी एक कोई एक दो बैठ रहे हैं तो वो इतनी जल्दी जल्दी चला नहीं पा रहे थे, वो सोच रहे थे कि कोई और भी आएंगे तो एक साथ सबको, तो उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा था, हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा था। तो हमने सोचा कि ना क्यों ना बाद में आएंगे तो श्री को यहाँ पे घुमाएंगे, आज हम केवल बप्पा के दर्शन करने आए थे, सबसे मेन था हमें, क्योंकि आज हम बप्पा के दर्शन करने, क्योंकि कहते हैं ना मनोतियों के राजा जो होते हैं वो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, तो इसलिए हम लोग आज ज़रूर आए थे यहाँ पे। यहाँ पे हम श्री को यहाँ पे झूला दिखा रहे थे, तो बहुत अच्छे झूले थे यहाँ पे, आसपास भी यहाँ पे बहुत है, और बहुत ही डरावने झूले भी थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना वो कितना और बड़ा झूला था, और इसमें बैठना तो मेरे बस की है भी नहीं। मेरे हस्बैंड कहते एक बार बैठो, मैंने कहा नहीं, किसी भी हालत में बैठूंगी। और जो मैं दूसरा झूला देखने जा रही थी ना, इसमें तो कत्ते नहीं बैठूंगी, क्योंकि ये तो पूरा उल्टा हो जा रहा था यार, इसमें कौन बैठ पाएगा, मेरे को इतना डर लग रहा था देख देख के। और लोग यहाँ पे बैठ रहे थे तो वो सोच सोच के कि वो लोगों की बड़ी हिम्मत है कि यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे ना राउंड राउंड वाले एक दो झूले ना इतने ख़तरनाक थे ना कि उनको देख देख के ना मुझे डर लगने लग गया था, इसको तो मुझे झूले को देख के बहुत डर लग गया था। तो ये ना यहाँ पे आप लोग ज़रूर आएंगे, झूले जो बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं, बहुत झूले हैं, एक जैसे मेला है ये, अभी तो यहाँ पे स्टॉल बहुत सी लगनी है क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे अनपैक थी, तो यहाँ पे लोग बता रहे थे कि यहाँ पे अभी कल से अभी और अच्छे से लगेगा, क्योंकि आज पहला दिन था तो यहाँ पे इसलिए सब कुछ जो अनपैक था वो कल जाके यहाँ पे होगा। तो हमने यहीं पे फिर
वापस चले गए। पापा के दर्शन करके सभी मेला पूरा घूम के सारे झूलों में श्री को दिखा के देन हम लोग घर की ओर चल दिए थे, क्योंकि हम काफ़ी लेट आए थे, 9 बजे के बाद आए थे हम यहाँ पे, और यहाँ बहुत गर्मी लग रही थी और श्री को भी बहुत गर्मी लग रही थी। तो फिर हमने जल्दी जल्दी से दर्शन किए, क्योंकि आज 19 तारीख को यहाँ पर पप्पा विराजमान हुए थे, तो आज तो दर्शन करना बनता ही था आज, इसलिए हम लोग यहाँ आए। और यहाँ पर हमने प्रसाद लेके हम घर की ओर चल दिए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 11 बज गए थे। तो यही था आज का हमारा प्यारा सा ब्लॉग।